लास्ट दो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज आया, फिर ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज आया, तो हमेशा से ये रह जाता था कि गोल तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। लेकिन इस बार मैंने मतलब ये ठान लिया था कि मुझे इस बार जीतना ही है गोल्ड, और उसी तरीके से पूरा फोकस मैंने रखा और उतना मेहनत किया मैंने, और लास्ट में आज चैंपियन बन पाई, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा मेरा बाउट नहीं देखते हैं, मतलब उनको इतना डर लगता है कि, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखेंगे तो मैं हार तो नहीं जाऊंगी, वो सोच के वो कभी मेरा बाउट नहीं देखते और मतलब आज तक यही एक स्पेशल चीज़ है कि वो लोग मेरा बाउट नहीं देखते, और उस टाइम पे मम्मी और पापा दोनों प्रे करते रहते हैं। ऐसा भी सिचुएशन आया था कि लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में और लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा मेडल नहीं आया था, उसके वजह से भी बहुत मतलब बहुत निगेटिविटी का सामना करना पड़ा मुझे। गेम तो ऐसा है कि हार जीत होते रहते हैं, लेकिन लोग ऐसा कर देते हैं कि हम हार ही नहीं सकते हैं जैसे, तो वो मतलब फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाते थे, और बार बार यही चीज़ की मतलब हो गया, ख़त्म हो गया, ओलंपिक में मेडल ऐसे ही जीत लिया, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करते थे। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काम रखा कि मुझे पेशेंस रखना है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, बस हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, और जो हमारा काम है काम के ऊपर फोकस रखना है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। ओलंपिक जब ख़त्म हुआ उसके बाद मेरा जो वेट कैटेगरी था 69 केजी में मैं ओलंपिक खेला था, और उस 69 केजी को ओलंपिक से हटा दिया गया था, तो मेरे लिए ये भी चैलेंजेस थे कि मैं अभी 66 में जाऊं कि 75 में जाऊं, क्योंकि मेरा वेट 68-69 ऐसा ही चलता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2 केजी कम कर लूँगी मतलब 66 में आ जाऊँगी, तो मतलब हर वक्त हर सेकंड मुझे सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेट बहुत ज़्यादा कम करते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते हैं, मतलब जब भूखे रहते हैं हम खाने के लिए नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे खुश रहना है या फिर गुस्सा रहना है या फिर स्ट्रेस में ही रहना है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट बढ़ाऊँगी। तो मैंने 6-7 kg वेट गेन कर लिया और 75 में ध्यान दिया, लेकिन 75 में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि जो लड़की लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और जो जो लड़की पहले से ही 75 वेट कैटेगरी में अपने वेट में खेल रही है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उस वेट कैटेगरी में उतना रैंक तक पहुँच चुके हैं। तो मेरा बॉडी बहुत मतलब चेंज हो चुका था, क्योंकि मैं वेट कैटेगरी चेंज कर रही थी, इसी एक रीज़न के वजह से भी मेरा मतलब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि जब हम वेट मतलब चेंज करते हैं तो मसल बढ़ाना पड़ता है, हम कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, बॉडी पूरा मतलब अलग ही हो जाता है। मतलब स्पोर्ट्स ऐसा है कि हम रोज़ अपनी मसल को ब्रेक करते हैं, फिर से हम उसको बनाते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर से बनाते हैं, तो वेट बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। इस सिचुएशन में मैंने बहुत पेशेंस रखा, अपने जो मेरा डाइट है डाइट के ऊपर ध्यान रखा, मेरा जो डिसिप्लिन है उसको कभी मैंने ब्रेक होने नहीं दिया, फोकस को मैंने ब्रेक होने नहीं दिया। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा आता था जिससे मैं ओपोनेंट के साथ ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है पंचेस, तो मैं कैसे ले पाऊँगी, कभी कभी ऐसा थॉट भी आता था, लेकिन मैं हर एक चीज़ को मैंने कंट्रोल किया कि मैं कर सकती हूँ, भगवान के ऊपर विश्वास रखा, खुद के ऊपर विश्वास रखा, तो वो चीज़ अच्छा हो पाया।